आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? ये मेरी मम्मा का रूम है, जाएं यहाँ से। अरसल बेटा, मैं तो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन मुझे आपसे फ्रेंडशिप नहीं करनी, प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। अरसल बेटा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो आओ मेरे साथ। मम्मा, ये आपका रूम है, ये आंटी आपकी चीजों का हाथ लगा रही थी, आप इन्हें घर से निकाल दें। अरसल बेटा, आप आए, चले आओ मेरे साथ। मीरब को यहाँ से गए कितने माह हो गए हैं, मगर उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। वो अपनी माँ को भूल गई है, मगर उसे नहीं पता मैं उसे कितना याद करती हूँ, उसके लिए कितनी फिक्र रहती है मुझे। पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रही होगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए यहां चली आई हो? समीर को तो तुम मुझसे दूर कर ही चुकी हो, अब अरसल को उसके बाप से भी दूर करना चाहती हो? याद रखना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ये मेरा घर है। तुम किसी खुशफहमी में मत रहो, क्योंकि ये घर अब मेरा भी है। समीर तो तुम्हें छोड़ चुका है, तो तुम बिना वजह अरसल को मेरे खिलाफ भड़काना छोड़ दो, वरना। वरना क्या, क्या करोगी तुम? मुझे मेरे ही घर से निकलवाओगी? अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और मेरे और समीर के दरमियान आने की कोशिश भी की, तो ऐसा ही करूंगी मैं। दरमियान में तो तुम मेरे और समीर के आई हो, लेकिन मैं समीर के बच्चे की माँ हूं, वो मुझे इस घर से कभी नहीं निकालेगा। हाँ, अलबत्ता कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही ये घर छोड़कर जाना पड़ जाए। क्या सोचा था मैंने, हावर की दूसरी शादी हुई है, नई बहू घर में आई है, पोता पोती होंगे, घर में रौनक हो जाएगी। मगर मारिया का रवैया देखकर लगता नहीं कि मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी। अल्लाह ना करे बेगम, कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है, और वैसे भी उनका पर्सनल मैटर है, हम उसमें मुदाखलत ना ही करें तो बेहतर है। मैंने ऐसी क्या गलत बात की? मैं कोई खावर की दुश्मन हूं? उसकी भलाई के लिए तो कह रही हूं ना ये बात। और वैसे भी मारिया सारा दिन इस घर को स्टूडियो समझकर अपने दोस्तों से गप्पे ही तो हांकती रहती है बैठकर। जिस लड़की को घर की इज्जत का ख्याल ना होना, वो खावर का घर क्या बात करेगी भला? मैंने कहा ना बेगम, ये उनका जाती मामला है, और वैसे भी मारिया खावर की अपनी पसंद है, बेहतर आप कम ही बोला करें। ऐसा ना हो कि आपकी बातों से तंग आकर मारिया हमारे बेटे को लेकर इस घर से चली जाए। हेलो मीरा,
बेटा तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामा। मीरा, बेटा तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? क्या तुम रो रही हो? ठीक हूँ मामा, वो बस गला खराब है और फ्लू भी हुआ है। बेटा तुमने कोई दवाई खाई? नाश्ता किया तुमने? जी मामा, ली थी मेरे साथ। मीरा, बेटा क्या तुम अपनी माँ को बिल्कुल भूल गई हो? लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। कम से कम फोन करके अपनी खैरियत की इतलाई दे दिया करो, तसल्ली रहती है। मेरा बेटा, तुम कुछ तो हो ना? मामा, मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती हूँ। आप ये सोच भी कैसे सकती है कि मैं आपको भूल सकती हूँ? सिर्फ आप ही तो है जिसके बारे में मैं सोचती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे हैं? पता नहीं लोगों के पास कितना फजूल वक्त है। कोई रॉन्ग नंबर था, खामखा में तंग कर रहा था। ब्लॉक कर दो, टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जी, मैं वही करने वाली थी। अच्छा देखो, फजीरा ने नाश्ता लगाया कि नहीं? भूख लग रही है। बहुत देर हो गई, मैं चेक करती। शोभी, मुझे और तुमसे कोई बात नहीं करनी इस वक्त। मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मीटिंग नवीद शेख से कब करवा रही हो? अच्छा देखो शोभी, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें ये काम ना बहुत जल्दी करना हो, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। कहीं ये ना हो कि नवीद शेख किसी और मॉडल को साइन कर ले अपनी मूवी के लिए और मैं यहाँ बैठी रह जाऊँ। डोंट वरी, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। नवीद शेख को किस तरह मनाना है वो मेरा प्रॉब्लम है, सही है? तुम बस सिर्फ ये काम करो कि आज से ही इस काम पर लग जाओ, ठीक है? और बहुत जल्द मुझे गुड न्यूज़ चाहिए तुमसे। बस आई विल नॉट लिसन नो फॉर एन आंसर। सही है, चल। किससे बात कर रही हो? शोभी से। क्या हो गया? जानते तो हो शोभी को, बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ही काम का भी। अब बताए, नवीद शेख है ना, उसने ऐलान किया है कि वो अपनी मूवी बना रहा है और वो ऑडिशंस ले रहा है बहुत सारी मॉडल्स के, एक्ट्रेसेस के अपनी मूवी में हीरोइन के लिए। तो तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक इस बात से? एक्साइटेड? एक्सक्यूज मी, जाहिर ही बात है, हो सकता है वो मुझे कास्ट कर ले अपनी मूवी में। तो अब तुम फिल्म भी करोगी? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं करूंगी मैं मूवी में काम?
आजकल हर मॉडल हर एक्ट्रेस का ये ख्वाब है कि कोई उसे मूवी में कास्ट कर ले। अगर मुझे ये हीरोइन कास्ट कर लेता है तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। मैंने मीरब से ये तो पूछा ही नहीं कि वो समीर के साथ खुश है या नहीं, वो उसका ख्याल भी रखता है। मामा, मैं भी आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। आप ये सोच भी कैसे सकती है कि मैं आपको भूल सकती हूँ। मैं अपनी बेटी से कैसे नाराज रह सकती हूँ, वो मेरी इकलौती औलाद है। अगली बार उसे जब फोन करूंगी तो कहूंगी कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो मैं उससे मिलने जा सकती हूँ। क्या बात है रुमाना बेगम, किस बात पे मुस्कुरा रही हैं? कोई खुशी की बात है तो हमसे भी शेयर कर ले। नहीं, मैं बस वो सारिम और माहा के बारे में सोच रही थी। दोनों माशाल्लाह एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, खुश लगते हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। तुमने हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा? बच्चे मतलब फैमिली प्लानिंग। यू वेरी फनी। हाँ, मैं यहाँ पे अपनी मूवी की प्लानिंग कर रही हूँ और तुम फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, तो उसमें हर्जी क्या है? बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने शादी की है, बच्चे हैं उनके, काम किया उन्होंने, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? हावर, तुम्हें शोबिज़ की दुनिया का कोई आइडिया नहीं है ना? तुम्हें पता है यहाँ पे वो औरतें जिनकी शादी हुई भी होती है या जिनके बच्चे होते हैं उनको प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि जो सिंगल लड़कियां होती हैं उनको हीरोइन बनाया जाता है। ठीक है, और इस वक्त ये टाइम जो है ना, ये मेरे करियर का पीक है। मैं इसको कैश कराना चाहती हूँ, मैं इसको जाया नहीं करूंगी तुम्हारी फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो और मेरा दिमाग खराब मत करे रोज। हेलो अर्सल। आप तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैं शॉपिंग करने गई थी, और मैं अर्सल के लिए शॉपिंग करने गई थी। ये देखो अर्सल, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए आपके गिफ्ट, अपने पास ही रखिए ये। अर्सल, बिहेव योरसेल्फ। इस तरह बात करते हैं बड़ों से? समीर, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस कल की आई हुई लड़की के लिए अपने बेटे को डांट रहे हो? अगर वो इससे क्लोज नहीं होना चाहता तो ये क्यों जाती है बार बार इसके पास? हाय साहब।
आप खेलो बेटा। चाय? अरे तुम्हें कैसे पता मुझे चाय चाहिए थी? अंदाजा था, मुझे काफी देर से काम कर रही हो तो चाय की जरूरत तो पड़ेगी, थक गई होगी इसलिए अपने हाथों से बना के ले आया। ये तुमने बनाई? कैसी बनी? बहुत मीठी है। चीनी ज्यादा हो गई होगी। एनीवे सारे क्या करें, कोई देख लेगा। कौन देख लेगा, आप शायद भूल रही हैं खातून, इस वक्त हम अपने बेडरूम में बैठे हैं। क्या भाई,